तो आज जो मैं चीज़ अनबॉक्स करने वाला हूँ वो है एक स्मार्ट ब्रेसलेट, जो मेरे हिसाब से अभी करंट मार्केट में सबसे अच्छी और सस्ती स्मार्ट वॉच है, जिसका नाम है D13 स्मार्ट वॉच। तो चलिए देखते हैं क्या है इसकी बिल्ड क्वालिटी, क्या है इसकी परफॉर्मेंस और कितने फंक्शंस और स्पेसिफिकेशन इसमें हैं। तो बिना कुछ कहे चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है D13 स्मार्ट वॉच का एक पूरा बॉक्स, जिसके सामने इसकी D13 स्मार्ट वॉच की पिक्चर बनी हुई है और साइड पे दोनों साइडों पे लिखा हुआ है स्मार्ट ब्रेसलेट, और इसके अलावा इस डब्बे पे कुछ और नहीं लिखा हुआ। तो चलिए डायरेक्टली देखते हैं क्या इसके अंदर। जैसे हम इसके डब्बे को खोलते हैं तो हमें सामने मिलता है डायरेक्टली इसका एक D13 का सामने इसका इंटरफेस बना हुआ आउटलुक, और आप देख सकते हैं। और अगर हम इसकी पील को उतारते हैं तो ये देख सकते हैं कि ये है पूरा इसका इंटरफेस, और इसको ये पावर्ड ऑफ हुआ हुआ होगा तो इसको ऑन करके हम इसको साइड पे रखते हैं। जब तक हम इसके अंदर इसके फीचर्स को देखते हैं या इसके अदर एसेसरीज को देखते हैं इसके साथ क्या मिलता है, तो उसके बाद हमें मिलता है इसके स्ट्रैप्स, जिसको लगाकर आप इसको अपने हाथों पर पहन सकते हैं, और एक मिलता है हमारे पास एक यूज़र गाइड मैनुअल जो चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों में है। तो डब्बे के अंदर भी और कुछ नहीं, तो चलिए चलते हैं इसके डायरेक्ट स्पेसिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट पर आते हैं तो हमें मिलता है एक 1 इंच की फुल ब्राइट और अच्छी स्क्रीन, जिसके ऊपर आप अपनी परफॉर्मेंस और अपनी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। और ये स्मार्ट ब्रेसलेट दोनों मैन और वुमेन दोनों पहन सकते हैं, क्योंकि इसका स्टाइल बहुत सिंपल और अच्छा है, जिसकी वजह से दोनों मैन और वुमेन पे सूट करता है। और अगर हम इसके बैक पे आते हैं तो हमें मिलता है एक हार्ट रेट सेंसर, जिसकी वजह से आप अपना हार्ट रेट, ब्लड रेट और अपना ग्लूकोज इस वॉच के अंदर आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम इसके फंक्शंस के ऊपर आते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है एक क्लॉक का इंटरफेस, फिर हमें मिलता है एक स्टेप्स, फिर हार्ट रेट, फिर ब्लड रेट, फिर ग्लूकोज रेट, फिर वाटर रेट, और उसके बाद हमें मिलता है फाइंड फोन, जिसकी वजह से आप अपने फ़ोन को फाइंड कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास मैसेजेस देखने का ऑप्शन, फिर आता है हमारे पास एक अबाउट इसके सॉफ्टवेयर के बारे में, और फिर आता है हमारे पास QR कोड, फिर आता है हमारे पास एक पावर ऑफ करने का बटन। और स्मार्ट ब्रेसलेट को चार्ज करने का तरीका कुछ अलग है, क्योंकि स्मार्ट ब्रेसलेट के अंदर ही एक USB टाइप की इंसर्टेड है, जिसके वजह से आप इसको डायरेक्ट वॉल अडेप्टर में लगा के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसको पहनने का तरीका भी बिल्कुल आसान है, जैसे कि इसके डब्बे के अंदर दिए गए स्ट्रैप की तरह से इसको लगा कर और अपने हाथ पे आप इसको टाइटली और अच्छी तरह फिट करके पहन सकते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही, और अगर ये स्मार्ट वॉच किसी को चाहिए हो तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके खरीद लेना। और ये मैंने कम से कम 1100 के बीच में खरीदी थी मार्केट से, और इसके फंक्शंस और इसका परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, क्योंकि इतने कम पैसों में इतने ज़्यादा फंक्शन होना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो Until next video, bye bye, take care and Allah Hafiz.